तमाम तजवुजात अपनी जगह पर दोबारा कायम होते हुए नजर आ रहे हैं। नाले पर तमीराती काम मुकम्मल होने के बाद तमाम तजवुजात दोबारा जो है अपनी जगह पर मामूल के मुताबिक। ये सामने काला पुल है और इसके साथ ही ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त डिक रोड का स्टेशन जो क्रॉस करने के बाद अब गाड़ी जो है वो चनेचर हाट के तरफ रवाना हो रही है। और आसपास की अगर मैं आबादी की बात करूं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम तर रेलवे ट्रैक के साथ तमाम इंकॉन्चमेंट जो है वो कायम नज़र आ रही है। देखें, जब भी धाबी जी से गाड़ी यानी कि हैदराबाद के बाद धाबी जी से जब भी गाड़ी कराची की तरफ जैसे ही इंटर होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कराची की पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ट्रेन है, अक्सर ट्रेनें जो हैं वो स्पीड जो है 30, 40 और 50 के लगभग हो जाती है। उसकी वजह यह है कि तमाम तर जो ट्रैक के इतराफ़ जो है काफ़ी हद तक के जो तजवुजात है वो हमें कायम नज़र आ रहा होता है। अभी भी आप देखें तमाम तर जो ट्रैक्स हैं वो घर के बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये यहाँ से जो ये रेलवे ट्रैक है ये सीधा चनेचर हाट की तरफ रवाना हो रहा है। जबकि पाकिस्तान रेलवेज़ की जितनी भी जगहें हैं तमाम तर जगहों पर देखें ये रेलवे ट्रैक के ऊपर जो इस वक्त बैठे हुए हैं और ये देखें इस घर के कितने करीब ये रेलवे ट्रैक के कितने करीब ये तमाम तर मकानात हैं। ये तमाम तर तजवुजात इस वक्त जो है चनेचर हाट के बिल्कुल करीब कायम है और ये तमाम इदारों को पता भी है। देखें इस सामने ट्रैक के ऊपर बैठे हुए बड़े हादसा का जो शिकार है वो ज़्यादातर ट्रेन को देखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है तजवुजात ख़त्म नहीं कर पाई लेकिन ट्रेन की जो स्पीड है उसको ज़रूर कम कर दिया जाता है। इस वक्त आप देखें तमाम तर इन आबादियों के अंदर बच्चे रह रहे हैं। देखें ये भी ट्रैक के ऊपर है, तमाम तर आबादी में इस वक्त बच्चे रह रहे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब लोग इस वक्त ट्रैक के ऊपर ही बैठे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर हम वक्तन वक्तन वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन आज इतफाक़ है कि ट्रेन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं और चनेचर हाट आने के बाद फिर उसके आगे काला बोट काला पुल लगता है जो काफ़ी बड़ा एरिए पे जो तजवुजात वहाँ पर भी कायम थे तो वहाँ से भी तमाम तर रेलवे के इतराफ जो तजवुजात है उसको काफ़ी जल्दी ख़त्म करने के बाद तमाम तर तामीराती काम भी वहाँ पर शुरू किया गया था। लेकिन ये जो काफ़ी बड़े स्पेस पे जो चनेचर हाट से पहले जो तमाम तर ये इस वक्त जो तजवुजात है, देखें यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक यहाँ पर एक दीवार होनी चाहिए, सपोर्ट के लिए एक दीवार होनी चाहिए कि लोग जो है आवाम जो है वो यहाँ पर रेलवे ट्रैक के अंदर दाखिल नहीं हुए। हम देख रहे हैं कि माल बरदार गाड़ियों के लिए जो अभी नए ट्रैक्स बिछाए गए हैं जो कराची पोर्ट से जिसको ट्रैक को बिछाया गया है वहाँ से आप तमाम तर देखते होंगे कि आपको पता होगा कि तमाम तर उस ट्रैक के साथ आगे और पीछे से तजवुजात को ख़त्म करके एक दीवार जो है वहाँ पर कायम कर दी गई है। लेकिन अभी जो बीचों बीच आबादी कराची के अंदर जो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी तजवुजात जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और दीवारें वगैरह नहीं है, सेफ्टी नहीं है, झाड़ियों की हालत जो है बड़ा ही खस्ता हाल है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, ये अगर इस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो सारी तमाम तर जो सेफ्टी अलर्ट के ऊपर अमल दरामद हो तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाए। देखिए सामने बाउंड्री बनी हुई, देखें ये सामने मकान बाहर निकला हुआ है, इसके साथ देखें ये भी यहाँ पर भी सामने तमाम तर घर जो है काफ़ी आगे की तरफ हैं। ये देखें बच्चे किस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर ही खड़े हैं और रेलवे ट्रैक के ऊपर ही खेल रहे हैं तमाम तर बच्चे। ये देखें लोग भी जो है, ये देखें बंदा रेलवे ट्रैक पर ही चल रहा है, कोई डर नहीं है। ये देखें और ये तमाम तर तजवुजात जो सामने कायम नज़र आ रही है आपको, इसके साथ ये चनेचर हाट का
रेलवे स्टेशन है जो बड़ा ही खस्ता हाल है और तमाम तरफ देखें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कचरा भरपूर पड़ा हुआ है। ये चनेचर हाट का स्टेशन है KCR का। सामने भी देखें वो एक इमारत बनाई गई थी, इस पर कलर वगैरह हुआ हुआ है, लेकिन ये ब्रिज है रेलवे क्रॉसिंग जो बड़ा ही खस्ता हाल है। और तमाम तरफ जो इस वक्त आप देखें चारों तरफ जो खस्ता हाली का शिकार है ये रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर अभी क्रॉस बन गया हुआ है, देखें यहाँ पर भी तमाम तर जो है कचरा वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें सामने ज़फ़र सोसाइटी है, इस पर भी तमाम दर तजवुजात दोबारा कायम होना शुरू हो गए। देखें रेड निशान लगाया हुआ है और दोबारा यहाँ पर नाले बनने के बाद, नाले पर तमीराती काम मुकम्मल होने के बाद तमाम दर तजवुजात दोबारा जो है अपनी जगह पर मामूल के मुताबिक लोगों ने कायम करना शुरू कर दिया। ये पूरी आबादी में आज से तकरीबन एक साल पहले तमाम तर तजवुजात को ख़त्म किया गया था। ये देखें सामने भी आप शीट के आड़ में जो तमाम तर नए सिरे से लोग घर को तामीर कर रहे हैं और ये नाला जो है नए सिरे से बना दिया गया था पिछले टाइम पर और अब दोबारा नए सिरे से जो है घर तामीरात करना शुरू कर दिया। वो देखें सामने भी लोगों ने घर तामीर करना शुरू कर दिया। अब से थोड़ी दूर के अंदर, थोड़ी सी दूरी पर काला पुल है और काला पुल के भी इतराफ़ तमाम तर तजवुजात को वो ख़त्म किया गया था। और अब देखें यहाँ पर अभी भी मलबे का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है, कचरा चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ये तमाम तर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, यहाँ से एक इतराफ़ नाला भी बनाया गया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये तमाम तर जो आपको यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ की हालत में आपको नज़र आ रहा होगा मलबे का ढेर, इसको यहाँ से अभी तक नहीं उठाया गया। जबकि आगे देखें आप तमाम तर यहाँ पर इसी स्पेस पे आने के बाद रेलवे का जो रेलवे पाकिस्तान की जो रेलवेज़ हैं, जितनी भी रेलवे वो जितनी भी ट्रेनें वो तमाम तर ट्रेनें जो इस जगह पर आकर स्लो हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ट्रैक के आसपास कोई भी सेफ्टी अलर्ट नहीं है, क्योंकि तमाम तर बच्चे जो हैं वो यहीं पर खेल रहे होते हैं। पिछले दिनों हमने आपको यहाँ के तजवुजात के ख़िलाफ़ भी बड़ा ऑपरेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये तमाम तर वही जगह है सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये तमाम तर जगह पर तजवुजात कायम था, नाले को बहाल किया गया था, जबकि दोबारा देखें आप कचरा ही कचरा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तमाम तर तजवुजात अपनी जगह पर दोबारा कायम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने देखें नाला, जो नाले के ऊपर बड़ी तादाद में कचरा पड़ा हुआ है। और अब काला पुल यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, ये देखें अब जो है एक काला पुल आ चुका है, ये सामने काला पुल है और इसके साथ ही ये देखें यहाँ की सूरत हाल देखें कितना खस्ता हाल है। और तमाम तर डेवलपमेंट के बाद भी, तजवुजात के ख़त्म होने के बाद भी अभी इस वक्त इस तरीके के मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जो है यहाँ पर काफ़ी स्पीड को जो है वो स्लो कर दिया जाता है, देखिए तकरीबन 20 की स्पीड से जो है ट्रेन इस वक्त चल रही है। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अभी इतने ही, फिर दोबारा आपको मज़ीद अपडेट से आगाही करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।